दुख है सर, क्या बोलूं मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। एक तरफ टेंथ फेल चाय वाला करोड़ों की कार में घूमता है। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। और दूसरी तरफ हम हैं जो टाइम पर असाइनमेंट करते हैं और डेली बसों में धक्के खाते हैं। आखिर क्यों हमें किताबों में फाइनेंस, एल्गोरिथम, टेक्नोलॉजी और एआई जैसी चीजों के बारे में नहीं सिखाया जाता? बिल गेट्स, गो फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग, गो फाउंडर ऑफ फेसबुक, स्टीव जॉब्स, गो फाउंडर ऑफ एप्पल, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, जोहन डी रॉकफेलर, वर्ल्ड फर्स्ट बिलियनियर। पता है आपको इन सब में क्या कॉमन है? ये सब दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। लेकिन एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब खुद को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सफल रहे हैं जिसमें इंडिया का हर इंसान फंसता जा रहा है। अगर पैसा कमाने के लिए स्कूल और कॉलेज की किताबें पढ़ना जरूरी है तो ये सब दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक कैसे हैं? बिल गेट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क जुकरबर्ग, सोशल मीडिया किंग, कॉलेज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, गौतम अडानी, कॉलेज ड्रॉप आउट, जोहन डी रॉकफेलर, हाई स्कूल ड्रॉप आउट। और दूसरी तरफ हम हैं जो डेली सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि हमें एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी। जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया, मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, मैंने बहुत मेहनत किया। दुख है सर, क्या बोलूं मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हम 15 साल स्कूल और कॉलेज में धक्के खाने के बाद फाइनली एक डिग्री ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि हमें कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। हमारे कई इंटरव्यू होते हैं जिनमें हमसे पूछा जाता है आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज है। अब स्किल के नाम पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री होती है और हमें हर बार की तरह रिजेक्ट कर दिया जाता है और हमारी लाइफ एक मजाक बनकर रह जाती है। आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं, हम इस मोबाइल को साल में ना जाने कितनी बार अपडेट करते हैं। हमारे कपड़े अपडेट हो चुके हैं, हमारे आसपास की चीजें अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे का वैसा ही है। ऐसा कैसे हो सकता है जिस देश में एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन उस देश का एजुकेशन सिस्टम सालों का वैसा ही है। पहले तो ये कोई इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये प्रशियंस का एजुकेशन सिस्टम है जिसे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए बनाया गया था। इसे इस तरीके से बनाया गया था कि लोग अपना खुद का दिमाग यूज करने की जगह सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो करें। इस एजुकेशन का यूज कर हमारे साथ सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम नौकर बनेंगे या फिर बेरोजगार। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, इसे समझने के लिए कई साल पीछे चलते हैं। साल 1806 में प्रशियंस और नेपोलियन के बीच एक वॉर होता है। इस वॉर में प्रशियंस की आर्मी बहुत ज्यादा मजबूत होने के बाद भी हार जाती है। प्रशियंस लीडर्स को यह समझ ही नहीं आता कि उनकी आर्मी इतनी ज्यादा मजबूत होने के बाद भी कैसे हार सकती है। काफी ज्यादा सोचने के बाद प्रशियंस लीडर्स को यह समझ आता है कि उनकी आर्मी वॉर के दौरान सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो करने की जगह अपना खुद का दिमाग यूज कर रही थी और नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। इस हार के बाद प्रशियंस लीडर्स डिसाइड करते हैं हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे, इसलिए वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जिसमें सोल्जर अपना खुद का दिमाग यूज करने की जगह सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो करें। इसलिए वो उन ब्रेन्स को कंट्रोल करते हैं जो खुद सोचने में कैपेबल नहीं है और जिन्हें सही गलत के बारे में पता नहीं है, उन्हें जो सिखाया जाएगा वो उसे ही सच मान लेंगे और इसे नाम दिया जाता है द प्रशियंस एजुकेशन सिस्टम। इसमें 5 साल से लेकर 13 साल तक एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाता है और फिर वही होता है जो प्रशियंस लीडर चाहते थे। नई जनरेशन अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर फॉलो करती है और वही करती है जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है विदाउट आस्किंग ए सिंगल क्वेश्चन। 1835 में इसी एजुकेशन सिस्टम को यूज कर अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बना लेते हैं। अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, उनकी संख्या बहुत कम थी और हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा थी जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था।
इसलिए लॉर्ड मकाउले 1835 में एक प्रपोजल तैयार करते हैं इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जिसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के थ्रू पास कर दिया जाता है। इसके बाद ऑफिस के क्लर्क से लेकर आर्मी के सिपाहियों तक हर जगह इंडियंस ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे अंग्रेजों ने कितना कमाल का दिमाग लगाया था, लेकिन आज तो आजादी को कई साल हो चुके हैं, आज तो हमारे देश में सब कुछ बढ़िया हो चुका है। लेकिन दोस्तों बहुत हैरानी की बात है, आज भी इंडिया में उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। हम हर रोज सेम यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं, हमें पानी पीने के लिए टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है, अगर टीचर परमिशन ना दे तो हमें चुपचाप वहीं पर बैठना पड़ता है, यहां तक कि आप क्लास में भी बात ना कर सकें, इसलिए क्लास मॉनिटर रखा जाता है। हम सुबह 8 बजे स्कूल या कॉलेज आते हैं, 3 बजे घर आते हैं, यानी हम दिन के 6 से 7 घंटे स्कूल में स्पेंड करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास 5 से 6 घंटे अपने बाकी कामों के लिए बच जाते हैं, जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें होमवर्क दिया जाता है ताकि हम घर पर भी किताबों में घुसे रहें। अगर हम होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमें क्लास में पनिशमेंट दी जाती है। इसी तरीके से धीरे धीरे हमारी सोचने की क्षमता को खत्म किया जाता है। एंड में हमें यही लगने लगता है शायद यही हमारी जिंदगी है, बाकी सब भी तो यही कर रहे हैं। और जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं हमारी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि हमें चाहे जो नौकरी मिल जाए हम उसे करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं और हम अपनी लाइफ का सबसे पीक टाइम सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करने में बर्बाद कर चुके हैं। अब सवाल आता है हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। मेरा एक सवाल है, अगर आप डांस सीखना चाहते हैं तो आप किससे सीखेंगे? शायद किसी डांस टीचर से। अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं तो आप किससे सीखेंगे? शायद किसी क्रिकेट कोच से। और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप किसके पास जाएंगे? क्या हुआ, आपने इस बार स्कूल और कॉलेज का नाम क्यों नहीं लिया? हम तो स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें और अपनी लाइफ में कामयाब हो सकें। दोस्तों हम डांस सीखने के लिए डांस टीचर के पास गए, क्रिकेट सीखने के लिए क्रिकेट कोच के पास गए, तो पैसा कमाने के लिए एक ऐसे टीचर के पास क्यों जाते हैं जो खुद एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है, जिसके पास ना तो कोई बड़ी कार है और ना ही कोई बड़ा घर, जबकि उनके पास हमसे कई गुना ज्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। इसका सिर्फ एक ही कारण है, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद फिनलैंड के एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो देखना, फिनलैंड दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूली सिस्टम है। स्कूल से ही बच्चों को सोशल मीडिया, इंटरनेट, चैट जीपीटी, एआई, एल्गोरिथम, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसी चीजों के बारे में सिखाया जाता है, और दूसरी तरफ हमें पढ़ाया जाता है बाबर, अकबर और कवियों की सालों पुरानी कविताएं और कहानियां। लेकिन इसका सलूशन क्या है? क्या सब लोग स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दें? जिसने भी इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है वो ना तो पहले कभी करोड़पति बने और ना ही आज बन पा रहा है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसे पागलपन समझकर इसे इग्नोर करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें, या फिर अपना रास्ता खुद बनाएं, खुद एक्सप्लोर करें ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपना मनचा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब टाइम बदल चुका है और आपको भी बदलना होगा। इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ ये इतिहास के कागज ही सब कुछ नहीं है। दोस्तों आपने कभी ना कभी महाभारत के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। उस टाइम पर गुरुकुल में सभी छात्रों को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई जाती थी। उस टाइम पर अर्जुन, भीम और नकुल तीनों के गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन अर्जुन ध्यान लगाने में माहिर थे इसलिए उन्हें धनुष विद्या सिखाई जाती है। भीम को शारीरिक शक्ति के कारण गदा युद्ध की शिक्षा दी जाती है, और नकुल जानवरों को समझने में माहिर था इसलिए उन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई जाती है। ये तीनों अपनी कला में माहिर थे और तीनों के गुरु एक ही थे, द्रोणाचार्य। लेकिन फिर भी इन तीनों को अपने शरीर और रुचि के कारण अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। सोचो अगर उस टाइम पर भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता तो शायद भीम और नकुल भी अर्जुन की तरह या तो धनुष चला रहे होते, या फिर अर्जुन और नकुल भी भीम की तरह गदा युद्ध कर रहे होते। दोस्तों यही चीज आज हमारे साथ हो रही है। अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट है तो सभी जॉब के लिए नहीं बने हैं। उनमें से कई क्रिकेट में अच्छे होंगे, कुछ फाइनेंस में अच्छे होंगे, कुछ फोटोग्राफी में अच्छे होंगे, और कईयों को कंटेंट बनाना अच्छा लगता होगा। लेकिन हम सबको एक ऐसी रेस में दौड़ाया जा रहा है जहां पर 100 में से 10 लोग जीतेंगे और बाकी 90 लोगों की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी कि उनके लिए सर्वाइव कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं।
सुंदर परचाई, द सीईओ ऑफ गूगल, सत्या नडेला, द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा, द सीईओ ऑफ आईबीएम, नेहल मोहन, द सीईओ ऑफ यूट्यूब, ये लिस्ट बहुत बड़ी है। दोस्तों मुझे नहीं पता इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन हमें खुद को बदलना होगा। आज हमारे पास इंटरनेट है, हम रील्स देखने की जगह अपना टाइम अच्छी चीजें सीखने में स्पेंड कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। एंड में बस आपसे यही कहना चाहूंगा, समय है बदल जाओ, और अगर समय ने बदला तो